आगरा पानी की समस्या से मुगल काल से ही जूझ रहा है। जब कालिंदी के पानी से आगराइट्स की प्यास नहीं बुझी तो गंगा जल ताज नगरी आया, लेकिन ये गंगा जल आगरा के लोगों का गला तर करने के बजाय सड़कों और खेतों को तरबतर कर रहा है, विभागीय लोगों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी की महत्ता बताने के लिए विख्यात कवि रहीम दास की ये पंक्तियाँ पर्याप्त है। पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आगरा पानी की किल्लत से हमेशा से जूझता रहा है। आगरा महानगर के लोगों की प्यास बुझाने में जब यमुना नदी का जल अपर्याप्त रहा तो हजारों करोड़ रुपए की लागत से गंगा जल आगरा आया। कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां ना तो यमुना और ना ही गंगा जल उनके पास पहुंच रहा है। लोगों की प्यास फ्लोराइड युक्त भूजल को पीने को मजबूर है। अब ऐसा भी नहीं है कि आगरा में पेयजल की इतनी भी कमी हो कि लोगों की प्यास ना बुझा सके, लेकिन जब ये पानी लोगों का गला तर करने के बजाय सड़कों और खेतों को तर करे तो विभागीय अधिकारियों की कर्तव्य परायणता और कार्य के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है। जो गंगा जल लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए वह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कलाल खेरिया तक पहुंच खेतों में पहुंच रहा है। जगह जगह हो रही पाइपलाइन की लीकेज के चलते दर्जनों MLD पानी बर्बाद हो रहा है। कलाल खेरिया निवासी उमेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि महीनों से गंगा जल लोगों के घरों तक न पहुंचकर खेतों में पहुंच रहा है। कई हेक्टेयर खेतों की सिंचाई लीकेज हो रही गंगा जल की पाइपलाइन से हो रही है। सी न्यूज़ के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।